मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। देखो, हम आपको अमृत वेले के उसमें कई तरह के अलग अलग थॉट देंगे। आप ये मत सोचना कि भाई जी ये तो दूसरा थॉट दिया, अभी दूसरा दे रहे हैं, लेना कौन सा है जो आपको सूट करे या जो आपकी परिस्थिति है। दूसरा कि मन को कभी भी एक ही तरह का भोजन नहीं देना है। रोज अमृत वेला आप एक ही थॉट पे करेंगे तो मन बोर हो जाएगा, इसलिए आप संकल्प भी चेंज करते रहें तो इंटरेस्टिंग बना रहता है। जैसे अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है हम अगले सेशन में कुछ और डिस्कस करने लग जाएं, या हो सकता है अभी हम कुछ और बताने लग जाएं, लेकिन हमें ये देखना है कि मेरी क्या प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के अनुसार मुझे स्वयं मान लेना है, लेकिन विधि वही रखनी है जो हम शेयर कर रहे हैं साथ में, ठीक है। जो भी बाबा प्रेरणा दे रहे हैं, टच कर रहे हैं, वो ही हमें विधि रखनी है, बस सामान चेंज कर देने हैं। तो इसके लिए अक्सर हम एक रिहर्सल करते आए हैं। उसके रिहर्सल क्या है कि जब रात को सोने जाते हैं, जब रात को सोने जाएं तो रात को सोने से पहले एक रिहर्सल करें कि मैं सवेरे उठते ही क्या करने वाला हूं। कई बार क्या होता है, सवेरे उठते हैं नींद का प्रभाव होता है, तो नींद के प्रभाव में ना कोई थॉट ही क्रिएट नहीं होता, और होता क्या फिर ये होने लगता है, ये हल्के हल्के झुटके से आने लगते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि रात को सोने से पहले एक रिहर्सल कर लीजिए। तो रिहर्सल करते ही क्या होगा, माइंड को कमांड चला जाएगा कि सवेरे आपको इतने बजे उठना है और उठते ही ये कार्य करना है। तो देखिएगा, अमृत वेला का भी झटका नहीं आएगा। बहुत आत्माओं की कंप्लेन है कि भाई जी सवेरे उठते ही नींद आती है। नींद आने का कारण है कि रात को रिहर्स नहीं किया गया है कि मुझे सवेरे उठ के क्या पुरुषार्थ करना है। तो ठीक है, अभी हम छोटा सा रिहर्सल करके देखते हैं। क्या मानिए, रात के 8 बजे हैं, सॉरी 8 बजे तो आपने कोई भी नहीं सोता, 9 बजे या 10 बजे, ठीक है, चलो 10 बजे लेते हैं। 10 बजे आप सोने जाते हैं, ठीक है। 10 बजे जैसे ही बिस्तर पे पहुंचते हैं तो बैठ जाइए। अब मनन चिंतन करेंगे हम बैठे बैठे, और एक विजन बनाना शुरू करेंगे। जो भी बोल रहे हैं ये आपको विजुअलाइज करना है, और फिर ऐसे ही रोज अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी है अमृत वेले के लिए, ठीक है। तो देखेंगे कि मैं बैठा हूं और मैं अपनी बुद्धि से विजुअलाइज करता हूं सवेरे के समय को, मॉर्निंग के टाइम को, अमृत वेले के समय को। करें जब घड़ी में 3:30 और 4 o'clock हो रहे हैं, अमृत वेले का जो भी उठने का समय हो आपका, घड़ी में देखें साफ एकदम स्पष्ट। उठ गए हैं आप, स्वयं को जागता हुआ देखें, ब्रह्म मुहूर्त आप जाग रहे हैं। जाग रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, अनकंडीशनल मुस्कुराएं। मुस्कुराएं, मुस्कुराएं, धीमे से आंखें खोलें और सामने देखें, बिल्कुल बिस्तर के एकदम सामने बाप दादा खड़े हैं, एंजेलिक फॉर्म में। जिनके अंग अंग से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है, जिनके तीनों नेत्रों से प्रकाश का प्रवाह मेरे ऊपर आ रहा है, जैसे मानो सवेरे शॉवर लेते हैं, वैसे मेरा मन ज्ञान, पवित्रता और शक्तियों का स्नान कर रहा है। बाप दादा अपनी बाहें फैलाते हैं,
आओ बच्चे आओ, आओ मेरी गोद में आओ। देखें साफ, एकदम साफ विजन कि मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में हूं और बाबा की गोद में चली जाती हूं। बाबा मुझे गोद में समाकर दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के नैनों से शक्तियों का फाउंटेन मेरे ऊपर पड़ रहा है। बाप दादा मेरे मस्तक पर तिलक लगाते हैं, मुझे ब्लेस करते हैं। बच्चे विजयी भवा, एक्सेप्ट कर लें इसे। बाप दादा के दोनों हस्त जो रुई सुकोमल है, कॉटन की तरह सॉफ्ट, और वो मेरे सर के ऊपर ऐसे रख देते हैं। आप ऐसे रख भी सकते हैं, अनुभव करें आंख बंद करके, क्लोज योर आईज एंड फील बाबा के कॉटन से भी मुलायम हाथ मेरे सर के ऊपर रखे हैं। कुछ सेकंड रखा रहने दें, अनुभव करें उन हस्तों से लाइट मेरे ब्रेन में जा रही है। ब्रेन के एक एक सेल में शिव बाबा की लाइट समा रही है। बाबा वरदान दे रहे हैं बच्चे, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। श्रेष्ठ संकल्प धारी भव। बच्चे सभी आत्माएं आपके अपने भाई हैं। यहां कोई पराया नहीं, आप सब मेरी संतान हैं। मेरे बच्चे सबको दिल से स्वीकार करो। सब के लिए हृदय का प्रेम हो, जैसे बाबा से प्रेम करते हो ऐसे ही आत्माओं से भी प्रेम हो। बाबा मुझे दृष्टि देते हुए लोप हो जाते हैं और मैं अमृत वेले बैठा हुआ दिव्य नेत्र से पूरे विश्व में हर एक आत्मा को उसके ओरिजिनल स्वरूप में देख रहा हूं। सब आत्माएं हैं, सब आत्माएं हैं, प्योर आत्माएं, पवित्र, डिवाइन।
ओम शांति।